तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि पार्टनर आपके यादों में पागल रहे 24 घंटे, या फिर आप ये चाहते हो कि पार्टनर आप ही के बारे में सोचता रहे और किसी के बारे में सोचे ही नहीं, तो आपको ये वीडियो जो है ना देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिसको अगर आप सही से सुन के अच्छे से अप्लाई कर पाओगे तो पार्टनर 24 घंटे बस आपके ही बारे में सोचेंगे, आपके ही ख्यालों में वो खोए रहेंगे, किसी और के बारे में सोचेंगे तक नहीं। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये है, जब आप लोग प्यार में पड़ते हो तब क्या होता है ना, प्यार का एक्साइटमेंट में आप लोग एक दूसरे के साथ चिपकने लगते हो, मतलब कि आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओगे, बहुत ज़्यादा चिपके रहोगे अपने पार्टनर के पास, अपने पार्टनर के साथ उनको छोड़ना ही नहीं चाहोगे। अगर मान लो आप लोग डेट पर जाते हो तो बस आप बातें करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, थोड़ा सा गैप भी नहीं दे रहे हो, फिर घर में आके मैसेज पे मैसेज करते जा रहे हो, फिर कॉल पर बातें कर रहे हो, मतलब 24 घंटे आप उसके साथ जो है ना चिपके हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप लिख के ले लो, अभी पेन और पेपर निकालो, लिख के ले लो कि पार्टनर आपको कभी मिस नहीं करेंगे, कभी आपको याद नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों यही ह्यूमन साइकोलॉजी की सच्चाई है, जो चीज़ हमें बिन मांगे मिल जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, हमें जो चीज़ के लिए एफर्ट लगाना नहीं पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए वैल्यूलेस हो जाता है। और कुछ ही दिन बाद आपके पार्टनर आपको जो है ना वैल्यूलेस समझेंगे, और आप जो सोचते थे कि पार्टनर मेरे ख्यालों में खोए रहेंगे, पार्टनर मुझे याद करेंगे, सारे सपने में पानी फिर जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसा आप क्या कर सकते हो जिससे कि इन सारे सपनों में पानी ना फिरे, बल्कि वो आपके ख्यालों में सचमुच खोया रहे, हमेशा बस आपके बारे में सोचे। अगर किसी से जिक्र भी करना हो तो बस आपके ही बारे में जिक्र करो और किसी के बारे में नहीं, और 24 घंटे आपको बेसुध होकर सोचते रहे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा दूरी बनाओ, थोड़ा सा गैप लाओ। अगर आप उसके पीछे ही पड़े रहोगे तो वो भला आपको कैसे मिस करेंगे। ये जो आपके श्वास है ना, ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लगातार इसको ले रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो, आपको कोई वैल्यू नहीं है इसका। अभी आपको मैं अगर कहूँ अपना नाक और मुंह बंद करके आप 1 मिनट रह लो, तो फिर आपको असल में याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि श्वास हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इस चीज़ की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि कंटिन्यूसली आ रहा है, इसके लिए हमें कुछ खास एफर्ट ही नहीं करना पड़ रहा है, हमें ध्यान ही नहीं देना पड़ रहा है। तो इसी तरह से अगर आप उसके लिए इतना ज़्यादा अवेलेबल बन जाते हो, वो जब भी आपको कॉल कर रहे हैं आप रेडी हो उससे बात करने के लिए, बल्कि आप ही कॉल पे कॉल कर रहे हो, आप ही मैसेज पे मैसेज कर रहे हो, मतलब हमेशा आप उसके लिए तैयार हो, रेडी हो, तो वो आपको कैसे मिस करेंगे। तो उसके साथ जो है ना दूरी बनाओ, ये चिपके रहने वाली ये फेविक्विक वाली जो आदत है ना, इसको अभी से तोड़ो। ये आदत, उसके साथ जब मिलना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिलो, लेकिन उसके साथ चिपके मत रहो। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट से कनेक्टेड है, कि जब भी आप मिल रहे हो ना, एक बहुत ही गुड मेमोरी क्रिएट करो, जिसको याद करके वो जो है ना खुश हो सके। जब आप एब्सेंट रहो उसके आंखों के सामने से, तब वो आपके साथ बिताए हुए प्यार भरे पल, प्यार भरे मोमेंट्स को सोच के खुश रह पाए, उसको अच्छा लगे। ठीक है, तो ऐसा एक मेमोरी क्रिएट करो, जब आप मिल रहे हो तब चपट 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 करते जो रहते हो ना, वो ना कर अपने दिमाग से काम लो, उसके साथ इस तरह से मिलो, इस तरह से बात करो कि वो इम्प्रेस हो जाए, उसके साथ कुछ अलग करो। फर्स्ट बार मिल रहे हो तो कुछ लेके जाओ उसके लिए, चॉकलेट लेके जाओ या फिर फ्लावर्स बुके लेके जाओ, थोड़ा सा स्पेशल बनाओ उस डे को, उस मोमेंट को थोड़ा सा मेमोरेबल बनाओ। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, उसके साथ जब आपका अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, मतलब कोई झगड़ा झमेला नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, तब आपको ये चीज़ करना है। ये है दोस्तों, आपको पुश पुल अट्रैक्शन टेक्निक जो है ना इस्तेमाल करना है। ये आपको कैसे करना है, कभी कभी प्यार में उसके एकदम से खींच लेना है, ठीक है, पुल करना है, और कभी उसको धक्का दे देना है, एकदम से पुश करना है। अब धक्का मतलब कहाँ से, एकदम से छत से धक्का नहीं देना है, उसको
दिल से धक्का देना है, मतलब कि थोड़ा सा इग्नोर करना है, थोड़ा सा दूर भेजना है अपने फीलिंग्स से दूर, ठीक है। कभी कभी उसको बहुत पास ले आना है, कभी कभी उसको दूर भेज देना है। इससे क्या होता है, उसका माइंड जो है ना हमेशा एक्टिव रहता है, हमेशा वो आपके बारे में सोचता रहेगा, क्योंकि उसको हमेशा डर रहेगा कि पता नहीं इसका बिहेवियर चेंज ना हो जाए। अगर कोई चीज़ कंटिन्यूसली एक ही समान एक ही जैसा चले ना, तो हम उस चीज़ को लेके सोचते नहीं हैं। अभी जो ये मोदी जी नोटबंदी किया था, इससे पहले हम सोचते ही नहीं थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही किया ना तो हमारे माइंड एक्टिव हो गया, और जो लोग ये काले धन सवार के रखते थे ना, उसके दिमाग में भी थोड़ा हलचल हो गया, पता नहीं फिर से कब नोटबंदी कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ जो है, आपको माइंड को हमेशा उसके एक्टिव रखना पड़ेगा। आप अगर उसके साथ पुश पुल अट्रैक्शन टेक्निक लगाओगे, और भी बहुत सारी टेक्निक है, नो कॉन्टैक्ट रूल है, बहुत से ऐसे टेक्निक्स है, ये सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करोगे, जब आपके रिलेशनशिप अच्छा है तब कभी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बात बात बंद हो जाता है, मेरे पास जो कॉल्स आते हैं ना, ज़्यादातर ऐसे आते हैं कि बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया है, फिर वो जाके पूछते हैं कि अब क्या करें। लेकिन जब आपका रिलेशनशिप अच्छा है, जब आपका रिलेशनशिप एकदम अच्छे ट्रैक में चल रहा है, तब अगर आप ये सारी ट्रिक्स इस्तेमाल करोगे, तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं और आप कितने अच्छे से रिलेशनशिप को हैंडल कर पाओगे। इसलिए रिलेशनशिप अच्छा रहते हुए आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो अगर आप मेरे से काउंसलिंग करवाना चाहते हो, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, या फिर आप कॉल मी फोर से भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। चलिए अब फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं कि ऐसा क्या करें कि वो आपके यादों में पागल रहे। तो फोर्थ जो पॉइंट है ये है दोस्तों, अपने आप को पावरफुल शो करो। देखो दोस्तों, हर कोई इंसान जो है ना, जो भी लोग पावरफुल होते हैं उनको ज़्यादा याद रखते हैं, उनको ज़्यादा याद करते हैं। आप भी मान लो एक पार्टी में गए हो, वहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन कोई एक दो ही आपके मन में छाप छोड़ जाते हैं। या तो वो बेहद खूबसूरत या बेहद हैंडसम होते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, या फिर उसमें कुछ अलग ही खास बात होते हैं जिससे कि वो लोग पावरफुल दिखते हैं। तो पूरा जो गेम है ना, ये पावर का गेम है। जितना ज़्यादा पावरफुल आप खुद को बना पाओगे, जितना ज़्यादा पावरफुल आप खुद को दिखा पाओगे, उतना ही ज़्यादा सामने वाला आपसे जो है ना अट्रैक्ट होंगे, याद करेंगे, सामने वाला आपकी यादों में तरसेंगे। लेकिन अगर आप अपनी इमेज डाउन करके उसको दिखा, तो आप खुद ही बता देते हो कि मैं तो गया गुजरा हूँ, मुझे कोई नहीं प्यार करता, ये नहीं वो नहीं, आप अपना रोना स्टार्ट कर देते हो, तो ऐसे इंसान को लोग तवज्जो नहीं देते, अभाव नहीं देते हैं। तो ये जो चार पॉइंट मैं बताए ना, इसको अच्छे से आप अप्लाई करना, फिर देखना आपके पार्टनर आपके यादों में कैसे तड़पते हैं। आपके पार्टनर आपके बिना एक मिनट भी रह नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सच के लिए इतना ही। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो श्री पर्णा श्री चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन दबा दीजिएगा। अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हो, तो कॉल मी फोर से या फिर ये नंबर से आप मेरे साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।